सो है व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड सॉरी गाइस मैं बहुत ज़्यादा लेट डाल रहा हूँ वीडियो। तो गाइस उसके कुछ रीजंस हैं। तो बात करते हैं हम यहाँ पे पहले न्यूज़ की, तो बात करते हैं यहाँ पे हमारे कैरी मिनाटी के बारे में। तो गाइस कैरी मिनाटी के बारे में कुछ दिन पहले एक जो एडवोकेट है जो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, उन्होंने केस कर दिया कैरी मिनाटी के अगेंस्ट कि वो वुमेंस की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनके खिलाफ़ कुछ वीडियोस डालते हैं। तो उसके बारे में तो उन्होंने एक केस फाइल किया है कोर्ट में, तो एंड कह रहे हैं कि इसके खिलाफ़ एक FIR भी होनी चाहिए। लेकिन इसके बारे में बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी रिएक्शंस दिया एंड कैरी मिनाटी के भी रिएक्शन आया इसके ऊपर। तो कैरी मिनाटी ने कहा कि मैं इसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता हूँ एंड ये छोटी मोटी चीज़ तो होती रहती है। तो इसके बारे में कैरी मिनाटी का भी सॉरी इसके बारे में ट्रिगर्ड इंसान का भी रिप्लाई आया एंड उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए जो आप देख सकते हो। एंड बाद में उन्होंने ये भी कहा कि अगर हाई बोलोगे तो उस पर भी कोई कह देगा कि हाई क्यों किया, बाई क्यों नहीं किया। तो ये कुछ ट्वीट्स किए इन्होंने एंड दूसरा ट्वीट भी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड बात करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो गाइस ये न्यूज़ है कैरी मिनाटी एंड ट्रिगर्ड इंसान के कोलैब के बारे में। तो उन्होंने ये जो पहले स्ट्रीम किया था उसमें कहा है कि हमारा कोलैब अभी रेगुलर हुए तो बहुत ही जल्दी आने वाला है हमारा कोलैब भी। एंड अब अभी बात करते हैं नेक्स्ट हमारी न्यूज़ के बारे में। तो नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही गाइस यहाँ पे हमारे R2H एंड हर्ष बेनीवाल के बारे में। तो गाइस इन दोनों की वीडियोस हैं जो वो IMBTV पे लिस्टेड हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीनशॉट्स में। दोनों की वीडियो यहाँ पे रेटेड है, एक की रेटिंग है 9.6 के एंड एक है 10 out of 10। आप अगर आप चाहते हैं यहाँ पे जाके रेट कर सकते हैं, उन्होंने स्टोरी करके भी बताया था। एंड यहाँ पे नेक्स्ट बात करें तो गाइस ये है एक रिएक्शन वाला चैनल है जिसकी एक वीडियो गाइस वहाँ पे कॉपीराइट स्ट्राइक डाल दी है, कम्युनिटी गाइडलाइन डाल दी है यूट्यूब वालों ने। एंड उसके बारे में उन्होंने रिप्लाई करते हुए ट्वीट्स किए एंड यूट्यूब को मेल भी किया कि ये वीडियो द लल टॉप ने भी डाली थी तो उनके ऊपर कुछ नहीं आया। तो यूट्यूब वालों ने सिंपल कुछ जवाब दे दिया उनको। एंड नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सलमान भाई गेम के बारे में। तो उन्होंने उसके ऊपर केस कर दिया एंड वो गेम अब डिलीट हो चुका है प्ले स्टोर से। एंड उसके बारे में यहाँ पे न्यूज़ ये निकल गया थी जो इंसिडेंट था वो हिट एंड रन वाला, जैसे जो फुटपाथ पे लोग सो रहे थे उनकी गाड़ी उनके ऊपर चढ़ गई थी वैसे वो केस था। एंड उसके बारे में ये गेम था एंड वहाँ उन्होंने केस किया एंड बाद में ये गेम हो चुका है डिलीट। तो ये कुछ न्यूज़ थी हमारे पास एंड अभी बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो